रतलाम जिले में अब कोरोना के बाद डेंगू बीमारी ने दस्तक दी है। गांव में डेंगू की दस्तक के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हुआ, मेडिकल कैंप लगाए हैं, लेकिन फिलहाल एक गांव डेंगू की चपेट में आने से गंभीर स्थिति बन गई है, जिसके बाद कलेक्टर ने भी इस और गंभीरता से ध्यान देते हुए कैंप लगाया, स्वास्थ्य टीम को लगाया है। इधर गांव में बताया है कि गंदगी गांव में बहुत है और साफ सफाई की परेशानी है, लोगों में जागरूकता नहीं होने से गंदगी फैली है और हर गांव के आसपास गंदगी है, जिसके कारण बीमारी फैली है। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी गांव में है और शिविर लगाकर हर घर में हर एक व्यक्ति की जाँच कर रहे हैं। 80 लोगों में डेंगू सिम्टम्स पाए गए हैं, 22 में डेंगू की पुष्टि हुई है, 10 की गंभीर हालत में रतलाम निजी अस्पताल में इलाज जारी है, वहीं गांव में बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। अभी अभी 10-15 दिन से डेंगू बुखार हमारे यहाँ ज़्यादा चल रहा है। उसका मुख्य कारण तो यह है कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता की कमी है और लोग अपने घरों के आसपास साफ सफाई की कमी है, कुछ नालियाँ वगैरह, और जो बारिश का मौसम है और घर के आसपास जो पानी है वो पानी भरा रहेगा, उस पानी में न तो उसमें कुछ केमिकल या दवाई कुछ डाल नहीं रहे, उस वजह से यह प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू के लार्वा उसमें स्वच्छ अच्छे पानी में साथ जो पानी की कुछ किल्लत है, लोग 2-3 दिन से पानी भरा हुआ रखते हैं, उस पानी में ये डेंगू के पनप रहा है, उस वजह से हो रहा है। अभी तक क्या यहाँ पे कुछ इसको लेकर कुछ समस्या को लेकर कुछ यहाँ पे स्थानीय दौर कुछ व्यवस्था की गई है, दवाई वगैरह की या छिड़काव वगैरह? पूरी जिला से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई थी, उन्होंने भी सर्वे किया है और अभी इस बीमारी के बाद जो कम से कम यहाँ 20-22 लोग भर्ती है रतलाम में, और अभी टीम आई थी, उन्होंने भी पूरे गाँव में सर्वे किया, दवाई वगैरह भी स्प्रे कराया है। किस ओर से दवाई का छिड़काव हुआ है, किस कौन से विभाग द्वारा? ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से हुआ है।